हेलो दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है पल्सर 150 न्यू मॉडल हाई एडिशन। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि पल्सर बजाज कंपनी ने इसमें क्या अपडेट डाला है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी अच्छे से कि उसमें क्या क्या अपडेट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं बाइक को आपको अच्छी तरीके से दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको बाइक की सारी फीचर्स के बारे में भी बता दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर 150 में क्या क्या अपडेट किया गया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या अपडेट हुआ इस बाइक में। पहले सीट कॉल के पास 150 लिखा हुआ जो मिलता था, अब वो आपको 3D में मिलेगा रेड कलर में। और इसके रेल की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपको रेड कलर में मिलेगी। और टैंक पे जो स्टिकर मिलता था वो भी अब ब्लैक रेड में मिलेगी दोस्तों। और इसके टैंक पे जो पल्सर लिखा हुआ रहता था वो भी अब आपको 3D में और रेड कलर में मिलेगी। और इसके मीटर की बात करें तो सेम है 150 से, जो पहले आपको 150 में देखने को मिलता था, सब सेम है। और इसके फ्रंट से लुक की बात करें तो इसमें पाइजर के पास स्टिकर दिया गया रेड कलर में, आप देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसके एलॉय व्हील के पास भी रेड कलर की स्टिकर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इसके उस साइड से आपको दिखाता हूँ नेट पैनल पे जो जाली रहती थी दोस्तों, उसको रेड कर दिया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको रेड कर दिया गया है। और आप बाइक की पूरी लुक देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ साइड से, आप देख सकते हैं। देखिए बाइक बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है बाइक। तो दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसके इंजन में 149 cc का BS4 फोर स्ट्रोक DTS एयर कूल्ड इंजन लगाया गया है। इसकी मैक्सिमम पावर है 13.8 BHP 8000 RMPM पर। इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 13.4 Nm 6000 RMPM पर। इसका बोर है 57 mm। इसका स्ट्रोक है 56.4 mm। इस बाइक के अंदर स्क्वायर इंजन लगाया गया है दोस्तों। और अब इस बाइक को मैं आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए आप, आगे पीछे पीछे से देखिए और आगे देख लीजिए। और मेन बात बता देता हूँ कि पल्सर 150 में जो काउल लगा रहता था और इस बाइक में वो हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं उसको हटा दिया गया। और आगे से वाइजर पर मैंने दिखाई दिया स्टिकर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके टायर की। तो इसके टायर में 8017 की ट्यूबलेस टायर दी गई है इस बाइक में आपको आगे वाली टायर में, और 240 mm की डिस्क ब्रेक दी गई है दोस्तों। पीछे की बात करें तो पीछे टायर की बात करें तो इसमें आपको 190/17 की ट्यूबलेस टायर मिलेगी। और इसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, इसमें आपको कोई डिस्क ब्रेक का पीछे में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। और ये जो बाइक है ये पल्सर 150 या 3 कलर में अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों कलर। तो आप एक कलर को देख चुके हैं, ये दूसरा कलर है ग्रे एंड येलो, और तीसरे को भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 कलर में अवेलेबल है। आप ये बाइक को देख सकते हैं, मैं तीसरा दिखा देता हूँ आपको, ये तीसरा वेरिएंट कलर है देख सकते हैं आप, और ये ब्लैक एंड वाइट में है। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों कलर दिखा दिया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे इस बजाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।